तो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। सो गाइस, काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं और मैं आपको बता दूं यार, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। करीब 10-12 दिन तक मुझे फीवर और ये सब काफी कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी यार। तो मतलब समाव आई हैव रिकवर यार। सो अभी मैं रिकवर हो गया हूँ। आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, तो बहुत दिनों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो काफी बात आई मीन से मतलब बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार। तो खैर होता रहता है यार, आदमी की तबीयत बिगड़ती रहती है करते थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यार आई एम गॉन थ्रू द कैंसर और ये सब बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है, सो द थिंग इज गाइस, आज हम लोग मार्केट पे नजर डालने वाले हैं और शिवनोबी को देखने वाले हैं और एक बार माइग्रेशन करके भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शिवनोबी ने बहुत से लोगों को प्रॉफिट भी दिया था और अच्छा खासा लॉस भी दिया है। ठीक है गाइस, लॉस दिया है जिन्होंने 3 कॉडिलियन टोकन यहाँ पे होल्ड करके रखे थे, उनके 102 डॉलर तक बन गए थे उस समय जब ये पंप हुआ था। बट अभी अगर आप उसको माइग्रेट करेंगे तो आपके हाथ में 58 आएगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन करने पे कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार मैं दिखाता हूँ अपडेट्स क्या क्या है और मार्केट पे भी नजर डालते हैं क्या चल रहा है और सारी चीजों पर देखते हैं। ठीक है, तो आज का दिन शुरुआत करते हैं नए वीडियो से। हमने शुरुआत की काफी दिनों के बाद, अब मैं रेगुलर अपडेट आपके लिए लेके आता रहूंगा वीडियोस के थ्रू। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग मार्केट पे नजर डालते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिटकॉइन जो है 18% डाउन चला गया है। यहाँ पे मार्केट है, लिक्विडिटी मार्केट से निकाल दी गई है बिटकॉइन। थोड़ी बहुत काफी फर्क पड़ा है यार बहुत कुछ चीजों का। यहाँ पे 16,680 डॉलर का बिटकॉइन अभी चल रहा है। इथीरियम 1,185 डॉलर के अराउंड चल रहा है, मतलब करीब 23% का डाउन है, मतलब बहुत बुरा हाल है। और आपका डॉजकॉइन 38% डाउन चला गया है। पॉलीगॉन में इतना अभी डाउन नहीं गया है, ठीक ठाक है आज, मतलब फिर भी डाउन गया है। ठीक है, और आपका सोलाना देखो तो सोलाना का हाल बहुत बुरा है, 52% ये डाउन चला गया है, 15 डॉलर के ऊपर आ गया है। तो सोलाना अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सोलाना कॉइन में इन्वेस्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 15 डॉलर का है सोलाना कॉइन। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बाद में यहाँ पे और भी आगे जा सकता है सोलाना। और शिबा इनू के अंदर जहां पे 5-4-0 देखने को मिलती है, यहाँ पे आप 5-0 वापस आ गई है, 20% ये डाउन गया है। तो मतलब सारे टोकन्स का बहुत बुरा हाल है, पूरा मार्केट जो है रेड नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता ये मार्केट कब तक रिकवर होगा, जब तक यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर नहीं आते क्रिप्टो को लेके, जब तक मार्केट को प्रॉपर पंप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और मार्केट में यार अभी जो सर्कुलेशन आ गई, अभी जो मार्केट ग्लोबल मार्केट कैपिटल है जो कि ट्रिलियन में चली गई थी, अब वापस जो है बिलियन में आ गई। अभी $832 बिलियन की मार्केट कैपिटल बता रही है ग्लोबल मार्केट कैपिटल। ठीक है गाइस, और टोटल क्रिप्टो करेंसी जो है 21,709 है, अब 522 एक्सचेंजेस हैं मार्केट के अंदर कम से कम। ठीक है, तो ये अपडेट है। अब डालते हैं शिवनोबी के ऊपर नजर एक बार। यहाँ पे शिवनोबी के 2,01,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। यहाँ पे देखो इन्होंने माइग्रेशन के बारे में बताया, इन्होंने अपना माइग्रेशन लाइव कर दिया है। हालांकि इन्होंने बताया था कि 15 तारीख तक हो रहा है, पर अभी भी आप माइग्रेशन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको माइग्रेशन करके दिखाता हूँ, बाकी कोई खास न्यूज नहीं है। हालांकि इनकी ब्लॉकचेन आने वाली थी, ब्लॉकचेन का कोई आता पता नहीं है। ये इनकी माइग्रेशन साइट है, माइग्रेट योर शिंजा वर्जन टोकन टू शिंजा वर्जन 2DAO। ठीक है, ETH एंड BSC दोनों पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इथीरियम पे, हमने सबसे पहले शिंजा इथीरियम पे लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इथीरियम चेन पे हमने शिंजा अपने होल्ड करके रख रखे हैं, और मैंने मेटामास्क में होल्ड करके रखे थे करीब 3.16 कॉडिलियन, जिनकी उस समय वैल्यू करीब थी $103 के आसपास। ठीक है, और अभी मैं उनकी वैल्यू की बात करूं तो 1.32 डॉलर, मतलब 80 रुपए रह गई है वैल्यू खाली यार। कहां 6,000 रुपए थे, अब 80 रुपए वैल्यू रह गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग भी इनकी डिसेबल हो गई है। यहाँ पे आप देखो, ये जो दिख रहा है आपको शिंजा, यहाँ पे डिपॉजिट, यहाँ पे आप देखो इस लाइन पे देखो, यहाँ पे देखो डिपॉजिट और ये ट्रेड दोनों विड्रॉल अवेलेबल है, डिपॉजिट ट्रेड दोनों यहाँ पे डिसेबल्ड है। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेशन करके अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन टोकन को एक बार स्वैप करके देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात है, जिनके पास 3.3 कॉडिलियन के आसपास या 4 कॉडिलियन के आसपास टोकन है, सबसे पहली बात तो वो माइग्रेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप माइग्रेशन करने के लिए आपको इथेरियम की फीस जो कि देनी पड़ेगी जो कि हाई है। यहाँ पे 3 या 4 डॉलर लगते हैं तो भी आप लॉस में ही हो, तो भी आप माइग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिनके पास टोकन है वहां पे 2 या 3 डॉलर के टोकन बचे हैं। जहां पे इनके पास 200 डॉलर के टोकन थे, उनके 2 डॉलर बच गए खाली। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ एक बार। ये मैंने कनेक्ट किया मेटामास्क पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ये देखो, मैंने मेटामास्क से अपना वॉलेट कनेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास कितने टोकन दिखा रहा है, शिंजा वर्जन 1 बैलेंस 3.16 क्वाइट्स वॉलेट दिखा रहा है, मुझे कितने टोकन रिसीव होंगे,
4.58 थाउजेंड, मतलब 4. मतलब लगभग 4,500 टोकन मुझे रिसीव होंगे शिपनोवी के वजन टोकन। तो यहाँ पे माइग्रेट करें, ये मैंने माइग्रेट पे क्लिक करा, ये देखो ये खुल गया मेटामास्क, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये देखो आप, मेरे पास 1.32 डॉलर के टोकन है, और यहाँ पे जो फीस है ना, दिख रही है आपको ये फीस, मतलब $5.42 की तो मुझे फीस देनी पड़ रही है यार। तो मैं इसको क्या घंटा माइग्रेट करूं, यहाँ पे मैं माइग्रेट ही नहीं कर सकता, मतलब यार मुझे माइग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप माइग्रेशन, हाँ अगर आपने बीएससी पे अगर रखे हैं तो आप बीएससी पे शायद आप माइग्रेशन कर सकते हैं, बीएससी चेन के ऊपर। अगर आप इथेरियम चेन पे आपने होल्ड करके रखे हैं तो आप माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन करने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है, इससे बेटर है कि आप $10 लगा दो और खरीद लो। इससे ज्यादा मैं लगाने की सलाह किसी को नहीं देता अभी भी इस टोकन में, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि इनकी ब्लॉकचेन जो है लॉन्च होने वाली है। यहाँ पे अब तक ब्लॉकचेन नहीं आई है, नवंबर आ गया है, ठीक है, दिसंबर खत्म होने को है, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है चीजों में, और यहाँ पे काफी कुछ होने वाला है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है आगे, क्या करते हैं। देखो इन टोकन पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। सैतामा इनू भी वर्जन 2 लॉन्च कर दिया है, उसने भी कोई प्रॉफिट नहीं दिया है, वो भी ऐसा कैसा ही पड़ा हुआ है, उसने भी कोई फायदा। तो ये भी अपना शिपनोवी वर्जन 1 फेल होने के बाद वर्जन 2 पे आ गए हैं, पता नहीं अब वर्जन 3 पे ना आ जाए कहीं ये लोग थोड़े टालों में। अब देखो यार क्या होता है क्या नहीं होता, बट क्या टोकन वोकन क्या लगातार आते रहते हैं जाते रहते हैं, ज्यादा इन टोकन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ज्यादा बावले मत बना करो क्रिप्टो के चक्कर में, ठीक है। इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस आपको दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद मत रखना, मैंने सीख लिया, ठीक है, कुछ आप लोगों से भी सीखा है कि टोकन्स के साथ उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई टोकन कभी भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, कोई गारंटी नहीं होती क्रिप्टो के अंदर, किसमें कुछ नहीं पता है, कोई भी टोकन कोई भी अच्छा निकल सकता है। आप टेरिजम को दे लो, टेरिजम अपना एक्सचेंज लेके आना, मतलब जरूरी नहीं है कि टेरिजम भी बहुत अच्छा पंप करके आपको दे, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो यहाँ पे माइग्रेट आप, मैं भी नहीं माइग्रेट कर पा रहा हूँ, मेरे पास 3.16 क्वाड्रिलियन टोकन है और माइग्रेट मैं नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि किसी टाइम पे 3.16 क्वाड्रिलियन टोकन की वैल्यू मैंने आपको बताई करीब $110 के आसपास थी, कभी थी, अब कुछ भी नहीं है। पर अब देखो तो $1.30 है, $1.20 दिखा रहा है अभी ये, ठीक है। तो ये सारी अपडेट थी शिबनोबी के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइज टोकन बनने जा रहा है, और क्या कहते हैं इनके नए रास्ते खुलेंगे, क्या कहते हैं यहाँ पे एक्सचेंजेस पे, और ज्यादा एक्सचेंजेस पे यहाँ पे लॉन्च होगा ये, ठीक है। अब देखते हैं कितने एक्सचेंजेस को सपोर्ट करते हैं, कितने एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है और नहीं होता है, वो तो वक्त बताएगा, ठीक है गाइस, लेट्स सी। तो थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास।